फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट का बैकअप कैसे लेते हैं मैन्युअली सी पैनल के थ्रू। दोस्तों, वेबसाइट का बैकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपकी वेबसाइट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी हो जाता है, करप्ट हो जाता है, सर्वर उड़ जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो आपके पास अगर बैकअप होगा तो उस वेबसाइट को आप वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं हमारे सी पैनल की ओर। ये है मेरी वेबसाइट और उसका है सी पैनल, एंड यहाँ पर हमको करना रहे यहाँ पर करना रहेगा सी पैनल में लॉग इन। जैसे ही आप सी पैनल में लॉग इन कर लेते हैं, आपको यहाँ पे होम स्क्रीन में जाना रहेगा, फाइल मैनेजर के अंदर आपको मिलेंगे सारे फोल्डर्स इन फाइल्स। आपको वहाँ से आइडेंटिफाई करना है आपका वेबसाइट जो है वो पब्लिक अंडरस्कोर HTML में रहता है। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इसका बैकअप लेना है। बैकअप लेने के दो मेथड हैं। जो मैन्युअली बैकअप लिया जाता है वो दो मेथड से लिया जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला बैकअप का जो मेथड है वो ऑटोमेशन है, कि यहाँ पर जो है सी पैनल ने खुद बैकअप का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप बैकअप पे क्लिक कर सकते हैं। बैकअप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी अगर बैकअप होगा वो दिखा देगा, अगर नहीं होगा तो वहाँ से न्यू बैकअप आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको बैकअप लेना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप बैकअप ले सकते हैं। ये होम डायरेक्टरी का है, होम डायरेक्टरी का आप बैकअप ले सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पूरा होम डायरेक्टरी जिप फाइल में कन्वर्ट होकर आपको डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको बैकअप फुल बैकअप लेना है, जिसमें होम डायरेक्टरी प्लस SQL का भी बैकअप आ जाए, तो आपको करना होगा डाउनलोड ए फुल अकाउंट बैकअप। और ये इस हिसाब से यहाँ पर मेरा ऑलरेडी बैकअप दिखा रहा है, इसमें 1 अप्रैल का है, फिर 10 अप्रैल का है, और अभी मैं अगर न्यू बैकअप लूँगा तो वो न्यू बैकअप भी आ जाएगा। ये फुल बैकअप से आप बैकअप ले सकते हैं। बैकअप विजार्ड भी वही काम करता है, ये स्टेप बाई स्टेप आपको बैकअप दिखा देगा। एंड यहाँ से आप इसको बैकअप को सी पैनल के बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हैं, उस पूरे पर्टिकुलर फाइल को। यहाँ पर हम देखते हैं बैकअप। बैकअप पे आप क्लिक करिए, आपको होम डायरेक्टरी, MySQL एंड ईमेल्स, ये तीनों चीज़ों का बैकअप हो जाएगा इसमें। एंड फुल बैकअप पे आप क्लिक करिए और ये बैकअप जो है स्टोर होगा आपके होम डायरेक्टरी में। और जैसे ही बैकअप आपका कंप्लीट होगा, आपको एक ईमेल आ जाएगा। अगर आपको ईमेल नहीं चाहिए तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल चेंज करना है आपका, आप यहाँ से ईमेल चेंज भी कर सकते हैं। एंड आपको कर देना है क्लिक जनरेट बैकअप। ये बैकअप जनरेट होने का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक मेल आ जाएगा। वो डिपेंड्स है टाइम ड्यूरेशन के, आपकी वेबसाइट में साइज कितना MB का आपका डेटा है। यहाँ से हम कर देते हैं गो बैक। जैसे ही आप गो बैक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि बैकअप जो है वो आपका इन प्रोग्रेस है इस डेट एंड पर्टिकुलर टाइम के साथ। दूसरा जो मेथड है वो मैन्युअली है। मैन्युअली भी मैं आपको बता देता हूँ कि सी पैनल के फाइल मैनेजर में आपको जाना है। अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पर नहीं है, जुमला पर नहीं है, ओपन कार्ट पर नहीं है, या किसी भी थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क पर नहीं है, आपका स्टैटिक वेबसाइट है या किसी थर्ड पार्टी पर है, तो आप सेलेक्ट ऑल करिए, ये सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आप कंप्रेस टू जिप कर दीजिए इसको, यहाँ से जिप फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। इसका आपको नाम, जो भी नाम देना है वो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ये एक डॉट लगा हुआ आ जाता है, इसको निकाल देती है। और यहाँ पर कंप्रेस फाइल, अब ये कंप्रेस फाइल होने में कुछ टाइम जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका वेबसाइट 100 MB का भी हो सकता है, 500 MB का भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो आप साइज़ कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका डिस्क यूजेस जो है वो 950 MB का मेरा टोटल है, एंड टोटल GB जो मुझे मिला है 3 GB है, एंड MySQL का साइज़ जो है वो 43 MB है। अप्रोक्सीमेट मेरा 1001 GB के आसपास डेटा है, और फाइल मैनेजर से अगर आप 1 GB डेटा करेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। फाइल मैनेजर से आप वहाँ कर सकते हैं। अगर आपको PHP माई एडमिन का, आपका SQL का कुछ बैकअप लेना है, तो आपको PHP माई एडमिन में आना रहेगा। PHP माई एडमिन में आने के बाद आपको सारे टेबल को सिलेक्ट करना रहेगा और उस टेबल को एक्सपोर्ट करना रहेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप दिखा रहा हूँ, ताकि आपका कंप्लीट वेबसाइट का बैकअप मल्टीपल वे से आप ले सकें। ये हमारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद सारे टेबल्स को आपको चेक ऑल करना है। चेक ऑल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, और प्लस ऊपर भी ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने का। यहाँ से आप एक्सपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, और जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे,
सो आपका एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये फॉर्मेट है, काफ़ी फॉर्मेट मिलते हैं, तो आप एसक्यूएल फॉर्मेट को गो पे क्लिक करेंगे, एंड जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे आपका डेटाबेस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका डेटाबेस जो है वो डाउनलोड हो गया, और यहाँ से आप जो है जिप फाइल को देखिए, आपका जिप फाइल भी यहाँ पर बन गया है। यहाँ से आप जिप फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए एबीसी अननोन, तो ये 600 MB का हुआ है कंप्रेस होने के बाद। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके लोकल कंप्यूटर में रख सकते हैं एनी टाइम। कुछ भी आपके वर्डप्रेस या फिर नॉर्मल वेबसाइट का कुछ भी होता है तो आप यहाँ से इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा मेथड है जो सबसे ज़्यादा इजी अच्छा लगा, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।